गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का गेम चेंजर्स में। एंड मैं बात करने जा रहा हूँ मंडे के इंट्राडे लेवल्स की। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात करेंगे हम, और कोशिश करेंगे कि कोई ऑप्शन अच्छे बाय साइड की मैं पॉसिबिलिटीज ढूंढने की कोशिश करूँगा जो मैं मिल सके और एक अच्छा प्रॉफिट हम बना सके। तो चलिए निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों को एनालिसिस कर लेते हैं। भाई अभी सारे मोमेंटम को देख के तो लग रहा है क्लियर कि मार्केट यहाँ से काफी ज्यादा मोमेंटम किया है, और एक क्या बोल सकते हैं एक हल्का सा एक्युमुलेशन किया। प्रीवियस डे एक्सपायरी वाले दिन सच में बहुत ही टफ दिन था। सो पॉसिबिलिटीज है कि अगर हम अपसाइड जाते हैं 36,500 के, तो एक बहुत ही प्यारा टॉप देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको 38,500 तक के लेवल में निफ्टी बैंक निफ्टी में लेके जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कल हल्का सा गैप डाउन मार्केट देखने के लिए मिलता है आपको, और जो ये हमारे टॉप्स हैं और इनको हम ब्रीच नहीं कर पाते हैं, एज ए रेसिस्टेंस हम इनको फेस करते हैं, तो एक शॉर्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि बड़ा गिरावट देखने के लिए मिलेगी, एक शॉर्ट गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है, जो कि निफ्टी को सॉरी बैंक निफ्टी को 35,700 तक के लेवल तक ला सकती है। और ओवरऑल ट्रेंड जो है यहाँ से सिनेरियो क्लियर बुलिश ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। सो अभी चलते हैं निफ्टी की तरफ एंड कोशिश करते हैं अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कि टेक्निकली क्या दिखाई दे रहा है निफ्टी में। नो डाउट बैंक निफ्टी आपको थोड़ा सा वीक दिखाई दिया होगा। मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम को एक बार आपको रिव्यू करा देता हूँ कि दो दो बार सेम सिनारियो मुझे दिखाई दिया, तो पॉसिबिलिटीज है कि सेम लेवल फॉलोअप हो सकता है। यहाँ से सेम ट्रेंड लाइन हमने अगर मैं प्रीवियसली ड्रॉ करूँ तो हम ब्रेकआउट करके काफी ऊपर तक गए थे। अभी सेम सिनारियो अगेन बना है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अगर सेम पॉसिबिलिटीज आई तो हम काफी ऊपर तक जाएंगे, जो कि निफ्टी को 18,100 के लेवल तक लेके जाएगा, बहुत इजीली लेके जाएगा। अभी 17,300 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए सेम रेसिस्टेंस था हमारे पास जब हमने ब्रेकआउट किया था, सेम रेसिस्टेंस था, सेम काइंड ऑफ कैंडल हमने 4 आवर्स के फ्रेम में रेड लाइन के नीचे बनाई थी, जो कि ये कहा जा सकता है कि एक रेसिस्टेंस है। इसको ब्रीच करेगा तो अपसाइड जाने के लिए मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट काफी बड़ी कैंडल्स एक बार में बनाया और लेवल्स को ब्रीच कर गया। अगर सेम पॉसिबिलिटीज आपके पास कल आती हैं, क्योंकि सेम सिनारियो फिर से क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सेम सिनारियो यहाँ से क्रिएट हो रहा है, जो कि मार्केट को अपसाइड लेके जाएगा। सेम ट्रेंड लाइन के पास से ब्रेकआउट हुआ है, सेम सिनारियो यहाँ क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको एक पैटर्न की तरह देखें, तो आप क्लियर कह सकते हैं कि ये दो पैटर्न्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना। लेकिन ये इससे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्रॉस लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूँ। क्रॉस मतलब ये डोजी आ रहा है, डोजी आ जाता है तो मे बी पैटर्न्स जो है थोड़े से ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तो अगर इसको बेरी शरामी क्रॉस बोला जाए, अगर पैटर्न ने काम किया, अच्छी गिरावट आ सकती है, जो कि मार्केट को 16,800 तक लेके आएगा, क्योंकि ये जब इमीडिएटली रेसिस्टेंस था, अभी ये 16,800 से इमीडिएटली सपोर्ट बन गया, तो 17,300 से आपको 16,800 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम क्रॉस कर गए और हम 17,380 के ऊपर ट्रेड कर लिए, तो बहुत आराम से आपको 18,200 तक के लेवल्स फ्यू डेज में निफ्टी में देखने के लिए मिल जाएंगे। सो सिचुएशंस क्लियर है। वन डे के टाइम फ्रेम में तो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है भाई। अगर 17,300 के ऊपर हम ओपन होते हैं, डेफिनेटली एक अच्छे मोमेंटम की तरफ जाएंगे। आरएसआई भी अच्छी स्थिति में है, एडीएक्स भी बढ़िया लेवल दिखा रहा है, दोनों मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी हम ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन कल अगर गैप डाउन होते हैं, तो डेफिनेटली एक सेल ट्रेंड भी देखा जा सकता है, जो कि 16,800 तक जा सकता है। तो मंडे को अगर हम अपने सारे बीज को एक बार फिर से कलेक्ट करें, तो हमें क्या डिपेंड क्या दिखाई दे रहा है, डिपेंड करता है ऑन ओपन मार्केट, ओपन की कंडीशन पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है। पर अगर हम गैप डाउन होते हैं, तो डेफिनेटली कंटिन्यूअसली मोमेंटम नीचे की तरफ रहना चाहिए। गैप अप होते हैं तो मोमेंटम अपसाइड रहना चाहिए, पॉसिबिलिटीज गैप अप की ज्यादा दिख रही है।
देखिए हम एज पर चार्ट जाएंगे, एज पर टेक्निकल जाएंगे, 17,280 के नीचे रहते हैं, सेल ढूंढने की कोशिश करेंगे, 16,800 तक के लेवल से आ सकते हैं, 17,380 या 17,360 के ऊपर अगर हम मेंटेन करते हैं तो हम 18,200 के लेवल आराम से देख सकते हैं। तो इन सब चीजों को एनालिसिस करने के बाद क्या निकल के आया है, दो अच्छी ट्रेड्स निफ्टी में एज वेल एज बैंक निफ्टी में मुझे लगा कि अच्छा कर सकती हैं, मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, बिल्कुल उनको आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा और एनालिसिस कीजिएगा कि एज पर चार्ट वो काम कर रही है या नहीं, जैसा हमने सोचा है उस तरह से उन्होंने काम किया या नहीं हमारे एनालिसिस पे। तो एक 24 वीकली की मैं बात कर रहा हूँ, 17,000 की पीई की बात कर रहा हूं मैं, ये ऑलमोस्ट 96 के पास शायद क्लोज हुआ है। तो अगर मार्केट हल्का सा गैप डाउन होता है डेफिनेटली वैल्यू इसके ऊपर जानी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा समय लेंगे हम कि मार्केट किस साइड में रिएक्ट कर रहा है, इसलिए मैंने थोड़े से पॉइंट ऊपर रखे हैं, 110 के ऊपर मैं इसको बाय करूंगा टारगेट, आराम से मुझे 168-175 मिल जाना चाहिए। एंड मार्केट आप देख सकते हैं कैसी कंडीशन है इस टाइम पे, ग्लोबल इकोनॉमी ग्लोबल इवेंट्स बहुत ज्यादा मार्केट को इफेक्ट कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस हम टाइटली लेके चलेंगे, स्टॉप लॉस हम 85 यूज करेंगे। तो ये ट्रेड अगर मार्केट गैप डाउन होता है 17,280 के नीचे रहता है, ये ट्रेड गेम चेंजर रहेगी, 17,000 पी 110 के ऊपर 175 तक जा सकती है, स्टॉप लॉस में शॉर्ट 85 के पास यूज करने चाह रहा हूँ। एज वेल एज सेम बैंक निफ्टी में भी मेरे पास लेवल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, वो अपने बैंक निफ्टी भी अपने एकदम एक्सटेंटली रेजिस्टेंस जोन पे है, तो अगर गैप अप करता है तो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, गैप डाउन करता है तो रेजिस्टेंस जोन जो है बहुत ज्यादा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो 35,700 की पी, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे ज्यादा नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज जो है बैंक निफ्टी में मुझे कम दिखाई दे रही है, तो 35,700 की पी को ही मैंने सोचा चूज किया जाए और 40 से 50 पॉइंट्स की मोमेंटम के लिए इसको ट्रेड किया जाए। तो अगर ये 315 के ऊपर मुझे बाय मिल जाता है, हालांकि ऑलमोस्ट सेम लेवल के पास में क्लोज हुआ है, 315 के ऊपर ये थोड़ी देर टिकता है मैं इसको बाय करने जा रहा हूं, टारगेट्स मेरे रहेंगे 390-395 तक, मतलब 80 पॉइंट्स मुझे यहां से आराम से मिल जाने चाहिए, स्टॉप लॉस मैं शॉर्ट लेके चलूंगा 280, मैक्सिमम 5 पॉइंट्स का डिस्काउंट कर सकता हूं नीचे की साइड में, तो मैक्सिमम 275 तक मैं स्टॉप लॉस ला सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं डिस्काउंट देने वाला हूं, लेकिन 315 के ऊपर प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है कि 390 तक ये जाना चाहिए। ये दोनों कंडीशन डिपेंड करती है जब मार्केट कल गैप डाउन देता है, लेकिन अगर मार्केट कल पॉजिटिव ओपन होता है और शुरू के 5 से 15 मिनट मतलब फ्यू कैंडल्स जो है हमारी जो हमने अपना कंफिगरेशन तैयार किया इसके ऊपर बनाता है, यहां से ब्रेकआउट देता है जो कि ऑलमोस्ट 17,360 के पास है, तो पॉसिबिलिटीज जो है बहुत ही अच्छे मोमेंटम की, हालांकि ADX थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है, मे भी हल्का सा करेक्ट हो सकता है, लेकिन RSI बहुत अच्छे दौर में ट्रेड कर रहा है। सो अगर सिनेरियोस बाय साइड में ओपन होता है तो मैं एक 17,500 की सी को बाय करने का प्लान कर रहा हूं, लेकिन 125 के पास से इसी क्लोजिंग समय 115 के आसपास रही है, 125 के पास से मैं इसको बाय करूंगा, मेरा टारगेट रहेगा 180-185, मतलब 60 पॉइंट्स मुझे यहां से मिल जाने चाहिए, स्टॉप लॉस शॉर्ट लेके चलूंगा नो डाउट, क्योंकि स्टॉप लॉस मुझे बहुत अपना टाइट रखना है, तो स्टॉप लॉस में अपना 95 के पास लेके चलूंगा, हल्का सा डिस्काउंट दे सकता हूं 4 से 5 पॉइंट, डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज नहीं करूंगा जब तक ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जा रही है, मैं एवरेज नहीं करूंगा, 125 के ऊपर मुझे 144 के लेवल मिल जाते हैं तब मैं एवरेज कर सकता हूं अपनी ट्रेड को, लेकिन बॉटम के साइड में मैं एवरेज नहीं करूंगा। सो ये ट्रेड अच्छी रहेगी निफ्टी में एज वेल एज बैंक निफ्टी की तरफ अगर हम नजर डालें, सो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा ऑप्शन मुझे मिलना चाहिए, अभी एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ ले सकता हूँ, सो दैट कंडीशन और अच्छे से क्लियर हो गया। 36,400 के बाद हम क्लोज किए, बहुत ही क्रूशियल मोमेंटम पे क्लोज हुआ है, अगर यहां से हमने ब्रेकआउट कर दिया बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिलेगा, 38,500 तक आपको देखने के लिए निफ्टी मिल सकता है, बैंक निफ्टी मिल सकता है, बॉटम्स की जो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, मैक्सिमम 37,700 तक के लेवल आपको
मिल सकते हैं। अभी रिसेंटली की बात किया जाए तो, इंस्टेंटली की बात किया जाए तो बाकी आगे क्या होना है जज नहीं कर सकते, लेकिन अगर इंटरडे चले तो 35,700 तक की पॉसिबिलिटी गिरने की है, लेकिन 36,450 के ऊपर बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और बहुत ही मेजर टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 37,400 की सी को अगर कंसीडर किया जाए, थोड़ा सा नजर डाली जाए तो वो क्लोज हुआ है समवेयर 160-162 के पास में, 180 से 185 के बिटवीन में इसमें बाइंग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे टारगेट्स रहेंगे 268-275, स्टॉप लॉस एज यूजुअल मैं बहुत ही टाइट लेकर चलूंगा 145, 5 पॉइंट्स का, सिर्फ 5 पॉइंट का डिस्काउंट मैं अपने स्टॉप लॉस में दे सकता हूं। नीचे की साइड 140 तक, उससे ज्यादा की संभावना नहीं है। सो ये चारों स्ट्राइक प्राइस को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा और देखिएगा कि क्या इन लेवल के पास से एग्जीक्यूशन होकर टारगेट स्टॉप लॉस की तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, और आपको फिर लगेगा कि हाँ टेक्निकली मार्केट फॉलो चीजों को करता है। तो 37,400 की सीधी बैंक निफ्टी में आप लेके जा सकते हैं, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया 35,700 तक की पॉसिबिलिटी है, तो 35,700 की पी को ही मैं चूज करके चल रहा हूँ। एंड अगर निफ्टी की तरफ अगर आप जाएंगे तो 17,000 की पी जैसे मैंने आपको बताया 110 के ऊपर अच्छा मोमेंटम अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटीज हैं, एंड 17,500 की सी को भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ये दोनों हैं निफ्टी के एज वेल एज दोनों बैंक निफ्टी के। होपफुली आप एंजॉय करने जा रहे हैं अपना ट्रेडिंग डे, पॉसिबिलिटीज मार्केट को ट्रेंड में ध्यान में रखते हुए ही अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कीजिएगा अच्छे से सीख के, और मेरी चार ट्रेड्स को भी अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा, एंड आई एम श्योर आपका दिन अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड होपफुली एक गुड मंडे आपका वेट कर रहा है।